is formation of a joint stock company. So joint stock company has to follow a certain specified legal procedure for its formation. Okay, कि जो भी joint stock company होती है उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे legal procedure को follow करना होता है for its formation. So planned action and conscious efforts are required. कि continuously क्या है, plan action हो, planning के साथ और एक बहुत सारे efforts की ज़रूरत होती है. So formation of a company involves the following stages. First one is promotion, second is incorporation, third one is capital subscription, fourth one is commencement of business. So firstly we will start with the promotion. So promotion stage includes all the steps right from the conception of idea of to starting the company till it is formed. ठीक है, promotion stage में क्या होता है, वो सारे steps आते हैं जिसमें क्या है कि एक conception of idea की business हमें कैसे start करना है, हमें business start करना है कि नहीं करना है, कैसे start करना है, ये सारी आइडिया से लेके जब तक वो फॉर्मेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग प्रमोशन स्टेज होता है. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी. इसमें क्या है, सारे प्रोसेस जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के लिए ज़रूरी है, ऑल द रिसोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी ऑर्गेनाइज करना है रिसोर्सेज का, इसमें सारे प्रोसेस आते हैं. सो प्रमोशन इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ द बिजनेस आइडिया. प्रमोशन में क्या होता है, डिस्कवरी होती है बिजनेस आइडिया का, कि नया जो आइडिया है बिजनेस का उसको डिस्कवर करना, इट्स इन्वेस्टिगेशन, उसको इन्वेस्टिगेशन करना एंड असेंबलिंग, असेंबल करना नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेटअप द बिजनेस. ठीक है, असेंबल करके क्या करना, नेसेसरी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको लेना कि बिजनेस को सेटअप करने के लिए. द पर्सन हु परफॉर्म्स ऑल दी एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज. ठीक है, जो पर्सन क्या है ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है प्रमोशन स्टेज पे, उसको बोलते हैं प्रमोटर. एंड द प्रमोटर रिसीव्स द प्रमोटर कंसीव्स द बिजनेस आइडिया एंड टेक ऑल द इनिशिएटिव्स टू फॉर्म अ कंपनी. और जो प्रमोटर होता है वो क्या करता है, वो सारे जो भी आइडिया है उसको लेता है, बिजनेस आइडिया को, एंड टेक ऑल द इनिशिएटिव, सारे इनिशिएटिव को लेता है टू फॉर्म अ कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने के लिए. सो द प्रमोटर कैन बी इंडिविजुअल, जो प्रमोटर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्सन भी हो सकता है, और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है. ठीक है, सो द प्रमोटर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, जो प्रमोटर है वो फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है. दीज फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज स्टेप्स इन द प्रमोशन स्टेज. ठीक है, इसमें ये सारे फंक्शन क्या है, इनको क्या बोलते हैं, स्टेप्स भी बोला जाता है प्रमोशन स्टेज के. सो स्टेप्स इन प्रमोशन स्टेज आर, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सो प्रमोशन स्टेज बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेटअप अ बिजनेस. प्रमोशन स्टेज कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, कि आइडिया को डिस्कवर करना टू सेटअप अ बिजनेस, बिजनेस को सेट करने के लिए. इट कैन बी एन आइडिया टू सेटअप अ न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस. ये आइडिया क्या हो सकता है कि न्यू बिजनेस को सेटअप करने का, और एक आइडिया क्या कि उस बिजनेस को एक्सपैंड करने का, जो ऑलरेडी बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी चल रहा है उस बिजनेस को क्या करना है, एक्सपैंड करने का. सो द प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया. जो प्रमोटर है वो क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया, कि आइडिया की जो भी वो डिसीजन ले रहा है वो कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बाई एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दैट एरिया. ठीक है, कैसे कि एनालाइज करता है कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे उसको अवेलेबल हैं. सो द प्रमोटर आल्सो एनालाइज द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. जो प्रमोटर है वो ये भी एनालाइज करता है कि कौन से रिसोर्सेज की उसको ज़रूरत है, एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, और कितने कैपिटल की रिक्वायर्ड है, एंड द डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, और कितना किसी भी बिजनेस में रिस्क भी इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ये सारे आइडिया वो क्या करता है, लेता है. नेक्स्ट वन इज फिजिबिलिटी स्टडीज. सो आफ्टर स्टडिंग ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवर्ड,
द प्रमोटर स्टार्ट डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू गिव प्रैक्टिकल शेप ऑफ दी टू दी आइडिया. ठीक है, जब कोई भी बिजनेसमैन की आइडिया को एनालाइज कर लेता है, आइडिया को डिस्कवर कर लेता है, द प्रमोटर स्टार्ट क्या करता है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने लगता है टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू दी आइडिया. ठीक है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि जो भी उसने आइडिया लिया है उसको प्रैक्टिकल में लेकर आ, मतलब हम लोग एप्लीकेशन पे लेकर आए और बिजनेस को स्टार्ट करें. सो ही डज डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग दी कॉस्ट, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिमांड ऑफ दी प्रोडक्ट एक्सेट्रा. तो इसमें बिजनेसमैन क्या करता है, सारी इन्वेस्टिगेशन करता है कि कितना ज़्यादा कॉस्ट उसको लगेगा, कितना प्रॉफिट होगा, प्रोडक्शन का कैसे, किस प्रोसेस से प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्ट की जो भी वो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी डिमांड कितनी है. सो व्हाइल डूइंग दिस द प्रमोटर टेक्स द हेल्प ऑफ अ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट. ये सब करते टाइम प्रमोटर क्या करता है, हेल्प लेता है किसी भी स्पेशलिस्ट की और एक्सपर्ट की, सच एज चार्टेड अकाउंटेंट जो क्या करते हैं अकाउंट जो होता है उसको मैनेज करते हैं, इंजीनियर्स की हेल्प करता है. द स्पेशलिस्ट मेक एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ ऑल द डिटेल कलेक्टेड बाय द प्रमोटर. ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होता है वो मेक एन ऑब्जेक्टिव जो भी बनाता है उसकी एनालिसिस करता है और जो भी प्रमोटर से पूरे आइडियाज़ को लेता है, कि जो भी उसके बिजनेस का आइडियाज़ को लेता है. द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट हेल्प द प्रमोटर टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द बिजनेस. फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी स्पेशलिस्ट है वो पूरी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है कि कितना प्रॉफिट का कैसा है कंडीशन है, कितना हो सकता है या उसको कितना कॉस्ट एंकर होगा, इससे एक वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है. तो ये जो रिपोर्ट है स्पेशलिस्ट की वो प्रमोटर को हेल्प करती है टू टेक अ डिसीज़न रिगार्डिंग द साइज ऑफ द बिजनेस, कि अगर इसको कोई डिसीज़न लेना है बिजनेस के साइज पे तो वो डिसीज़न ले सकता है. लोकेशन ऑफ द प्लांट, जो भी प्लांट है, जो भी जहाँ पे कोई भी मशीनरी सेटअप हुई है उनकी लोकेशन, एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल की बिजनेस में कितना कैपिटल एक्सेट्रा लगेगा. ठीक है, सो नेक्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी. ठीक है, जो फिजिबिलिटी है उसके थ्री टाइप्स हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. सो फर्स्टली वी विल डील विद द टेक्निकल फिजिबिलिटी. समटाइम्स द आइडिया इज गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया. कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आइडिया अच्छा होता है बट टेक्निकली जब हम उसको करने जाते हैं, जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. कि हम कुछ सोचते हैं जब हम उसको करने जाते हैं तो वो इतना प्रैक्टिकली वो सही नहीं होता. इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल. ये बेसिकली क्यों हो सकता है, क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपरली नहीं हुई हो, जो भी वो इनपुट्स लगाएगा जिसके थ्रू प्रोडक्शन करेगा वो उसके पास प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो, जो टेक्नोलॉजी हो वो सही नहीं हो, तो द प्रोजेक्ट इज़ कंसिडर टेक्निकली अनफिजिबल. जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली अनफिजिबल है, मतलब इतना ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसकी यूजबिलिटी इतनी नहीं है, अनलेस द टेक्नोलॉजी और दी अदर रिक्वायर्ड इनपुट कैन बी इम्पोर्टेड और आर अवेलेबल इन आर कंट्री. ठीक है, तो और रिक्वायर्ड जो भी इनपुट है जब तक हम उसको क्या करें, या तो हमारी कंट्री में अवेलेबल ना हो, अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, उन टेक्निक्स को, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को हमको इंपोर्ट कराना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी. सो इफ़ द रिक्वायर्ड कैपिटल और फंड फॉर द बिजनेस आइडिया आर सो लार्ज. ठीक है, अगर कभी क्या होता है कि जो भी रिक्वायर्ड कैपिटल है, जो भी फंड चाहिए बिजनेस में, वो बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट दीज कैन नॉट बी अरेंज विद इन द अवेलेबल मीन्स. तो कोई भी बिजनेसमैन है वो जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके थ्रू वो उतने फंड का, मनी का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा है, देन इट इज़ सेड टू बी फाइनेंशियली अनफिजिबल. तब क्या हो जाता है कि ये फाइनेंशियली अनफिजिबल हो जाता है, मीन्स फाइनेंशियली वो इतना यूजेबल नहीं हो पाता है. सो फॉर एग्जाम्पल वन मे हैव एन आइडिया टू अर्बनाइज द रूरल एरिया. ठीक है, किसी के पास एक आइडिया है कि रूरल एरिया को वो अर्बनाइज करना चाह रहा है, अर्बनाइजेशन करना चाह रहा है, मतलब उसको अर्बन करना चाह रहा है शहर की तरफ, बट द फंड रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस बिजनेस आर सो ह्यूज. बट जो फंड रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए वो बहुत ज़्यादा है, सो दैट इट मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एक्शन प्लान. तो वो क्या है, अब
वो क्या है, वो एक्शन प्लान में, एक्शन में वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास इतना फंड है ही नहीं, तो उसको प्रैक्टिकली उसको क्या है बनवा नहीं सकता, रूरल एरिया को अर्बनाइज नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी उसके पास है. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज अबंडेंट. कभी कभी क्या होता है, जो प्रोजेक्ट होता है वो अबंडेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल. ठीक है, समटाइम्स अ प्रोजेक्ट इज अबंडेंट जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल. कभी कभी क्या होता है, कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको अबंडेंट हो जाता है, मतलब बंद कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल, कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है. सो जनरली बिजनेसमैन प्रेफर टू कैरी ऑन विद द आइडियाज़ विच आर प्रॉफिटेबल. तो बिजनेसमैन उसी बिजनेस को क्या करते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं जहाँ पे उसको प्रॉफिटेबल, वो जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा. नेक्स्ट वन है नेम अप्रूवल. सो टू कंपनी कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम. कोई भी दो कंपनी, ठीक है, कोई दो कंपनी एक नाम से नहीं हो सकती. इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू गेट इट नेम अप्रूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार. तो ठीक है, तो इसलिए हर एक कंपनी को क्या है, एकदम मैंडेटरी है कि वो रजिस्ट्रार के पास जाके अपने नेम को अप्रूव कराएं, सो दैट इट डज़ नॉट मैच विद एनी अदर कंपनी नेम, कि जिससे वो अदर कंपनी के नेम के साथ वो मैच ना हो. सो जनरली कंपनी गिव दिस नेम इन ऑर्डर ऑफ दी प्रायोरिटी टू दी रजिस्ट्रार. देन रजिस्ट्रार मैचेस द नेम विद द नेम ऑफ दी अदर कंपनी. तब रजिस्ट्रार क्या करता है, सारी कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाती है, तब रजिस्ट्रार क्या करता है, सारी कंपनी के नेम को मैच कराता है. एंड इफ़ इट इज़ नॉट आइडेंटिकल देन द रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम. जब अगर नेम क्या सेम नहीं होता है, इस कंडीशन पे क्या है, जो रजिस्ट्रार है वो नाम नेम को, बिजनेस के नेम को अप्रूव कर देता है. नेक्स्ट वन इज फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो प्रमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम, जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. सो जो जहाँ पे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव लिखा है उसी को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो प्रमोटर को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन, जो भी उसका मेमोरेंडम है वो उसको कौन साइन करेगा. यूजुअली द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. यूजुअली क्या होता है कि जो भी उस मेमोरेंडम पे सबसे पहले साइन करेगा वही फर्म और इंडस्ट्री का, बिजनेस का पहला क्या है, डायरेक्टर होगा. सो प्रमोटर ऑल्सो टेक देयर रिटन कंसेंट. प्रमोटर क्या करते हैं, उनका रिटन कंसेंट लेते हैं टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, कि वो एज अ डायरेक्टर रहेंगे. एंड आस्क देम टू बाय क्वालिफिकेशन शेयर्स, और उनसे कहते हैं कि जो भी क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं वो क्या करो, उसको परचेस करो. क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं, जो भी सिंपली डायरेक्टर जो कंपनी के होते हैं वो उसको परचेस करते हैं. नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल. सो द प्रमोटर अपॉइंट्स द ब्रोकर्स. ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो डिफरेंट जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो भी उसको क्या करते हैं, बाय और सेल करते हैं. और उसको सेल करने के बाद, जो भी सेल करने के बाद उस पर वो अपना कमीशन लेते हैं. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेगा, तो उस पर वो क्या करते हैं, कमीशन लेते हैं. अंडरराइटर टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, और अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल भी देखते हैं बाय सेल ऑफ अ कंपनी सिक्योरिटी, कंपनी के सिक्योरिटीज़ को सेल करके. एंड सॉलिसिटर्स आर दी अपॉइंटेड टू डील विद द लीगल मैटर्स ऑफ द कंपनी. और जो भी सॉलिसिटर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं कि जो भी कंपनी के लीगल मैटर्स है उस पर डिस्कस करने को. बैंकर्स आर अपॉइंटेड टू हैव स्मूथ फाइनेंशियल डीलिंग, और बैंकर्स को भी अपॉइंट किया जाता है कि जो भी डीलिंग्स है फाइनेंस से रिलेटेड वो उसको डील करते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट. सो अ प्रोमोटर टेक अप द स्टेप्स टू प्रिपेयर सम लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, प्रमोटर क्या करता है, स्टेप लेता है, प्रिपेयर करता है लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के विच हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार. जो रजिस्ट्रार को क्या करना होता है, सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के टाइम द कॉमन डॉक्यूमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाई द प्रमोटर्स आर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. जो कॉमन डॉक्यूमेंट है, जो प्रमोटर जिसको प्रिपेयर करता है, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं. तो ये सारे को क्या है, यही सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करना होता है. थैंक यू.
incorporation stage. So incorporation of a company is the second stage in the formation of a company. ठीक है, incorporation of a company क्या होता है, ये second stage होता है formation of a company में. Incorporation refers to the registration of the company under Companies Act 1956. ठीक है, incorporation का मतलब क्या होता है कि company का registration होता है Companies Act 1956 के under. So the main step under the incorporation stage are, तो इसमें सबसे main step कौन कौन सा होता है, सॉरी, सो फर्स्ट वन इज फिलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट. सो वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार. ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रार क्या करता है, नेम को अप्रूव करता है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट क्या है, सबमिटेड होता है रजिस्ट्रार को. फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल, सेकेंड इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम्स एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन एंड द एज, द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर्स, नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड. ठीक है, तो इसमें क्या क्या बनाना पड़ता है, पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव कंपनी के क्या है वो मेंशन होता है, आर्टिकल एसोसिएशन देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑथोराइज कैपिटल का देना पड़ता है, देन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम, जो भी डायरेक्टर हैं उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन एंड द एज ऑफ द डायरेक्टर, द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, जो रिटन कंसेंट है डायरेक्टर का एज अ जो एक्ट डायरेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं उनका, नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जो नोटिस है एड्रेस का कि जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का उसका, एंड द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन देना पड़ता है दैट ऑल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड. ठीक है, जो भी फॉर्मेशन है रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी वो क्या हो गया, सारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ द फीस. सो अलॉन्ग विद द फिलिंग ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स द प्रिस्क्राइब फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव ऑल्सो बी डिपॉजिट. ठीक है, कि जो भी सारे अबव डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ साथ क्या करना पड़ता है कि द प्रिस्क्राइब फीस भी क्या करना पड़ता है, प्रिस्क्राइब फीस जो है रजिस्ट्रेशन की वो भी डिपॉजिट करना पड़ता है, एंड द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल. कि जो भी रजिस्ट्रेशन की फीस है वो किस पर डिपेंड करती है, कि अमाउंट क्या है ऑथोराइज कैपिटल का. नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन. सो कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है, सो द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स. रजिस्ट्रार क्या करता है, वेरीफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट जो होते हैं, एंड ही ऑल्सो चेक्स द रिसिप्ट ऑफ द फी डिपॉजिट. और वो क्या करता है, वो ये भी चेक करता है, रिसिप्ट को भी चेक करता है जो भी फीस डिपॉजिट का, एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड विद द वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि अगर वो सेटिस्फाई होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है या नहीं, वो ऑथेंटिक है या नहीं, देन द रजिस्ट्रार एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर. फिर क्या करता है रजिस्ट्रार, जो कंपनी का नाम है रजिस्टर में ऐड कर लेता है. फोर्थ क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, द रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रार क्या करता है, नेम को एंटर कर लेता है रजिस्टर में, तो रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको इशू करता है. फ्रॉम दिस डेट, इस डेट के ऑनवर्ड क्या होता है, कंपनी क्या है, कंसीडर्ड हो जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह. ठीक है, इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ, सॉरी, इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. So a company is legally born on the date printed on the certificate of incorporation. कि कोई भी कंपनी उसी दिन born होती है, बनती है जिस दिन उसके सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन पे उसका जो दिया रहता है कि किस डेट को दिया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 सितंबर को दिया है, तो 6 सितंबर का मतलब है कि आज ही के दिन बिजनेस क्या है, कोई कंपनी born हुई है, आज ही के दिन बिजनेस या इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इसमें क्या होता है, ये इसको सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह किया जाता है विच परपीचुअल सक्सेशन. और परपीचुअल सक्सेशन होता है कि जो भी डिफरेंट मेंबर्स है वो मे बी कम और मे बी
गो, बट उनको क्या है कि सारा लीगल जो फॉर्मेलिटीज है उसको करना ही पड़ेगा. सो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी. जो सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का वो क्या होता है, कंक्लूसिव एविडेंस होता है. एक एविडेंस होता है कि अब कोई कंपनी क्या है, लीगली एग्जिस्ट कर रही है. वॉट एवर मे बी द डेफिशिएंसी इन द फॉर्मेलिटीज, कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी है अगर किसी भी फॉर्मेलिटीज में, वन द सर्टिफिकेट इज इशूड, जैसे ही बस सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, इट इज़ कंक्लूसिव एविडेंस दैट, फिर उसका एक एविडेंस हो जाएगा दैट द कंपनी केम टू एग्जिस्टेंस ऑन द डेट, कि कंपनी क्या है एग्जिस्टेंस में आ जाएगी उस डेट पे विच इज़ मेंशनड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे मेंशन है उसी डेट पे क्या है कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉलोइंग पॉइंट्स विल मेक इट मोर क्लियर. तो जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो ज़्यादा क्लियर कर रहा है. देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज इशूड ऑन 24 अगस्त. ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का वो इशू कब होगा, 24 अगस्त को. वेयर एज ऑन द सर्टिफिकेट डेट इट वॉज रिटन ऑन द 22 अगस्त. ठीक है, जो सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का उसमें डेट लिखी है 24 अगस्त, और जो सर्टिफिकेट डेट रिटन है 22 अगस्त, देन कंपनी इज कंसिडर टू बी बॉर्न ऑन 22 अगस्त ओनली. तब कंपनी क्या है, किस दिन उसको एज अ मानक कंसिडर किया जाएगा, 22 अगस्त के ही दिन उसको क्या किया जाएगा, बॉर्न कंसीडर किया जाएगा. सो ऑल डीलिंग्स कैरीड ऑन द 23 अगस्त विल बी कंसीडर्ड लीगल. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज 23 अगस्त को की जाएंगी वो सारी लीगल होंगी, ऑल दो द सर्टिफिकेट वॉज इशूड ओनली ऑन 24. भले वो सर्टिफिकेट 24 को इशू हुआ और उस पर डेट मैंशन है 22, तो 22 को ही बिजनेस क्या है एज अ कंपनी माना जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा कि वो बॉर्न हो गई है. सो आफ्टर इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, इट वॉज फाउंड, ये फाउंड किया जाएगा दैट पर्सन हैड फॉरगॉट सिग्नेचर ऑन द मेमोरेंडम. ठीक है, कि पर्सन क्या है सिग्नेचर कर देगा मेमोरेंडम पे, बट देन ऑल्सो इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड. ठीक है, तब भी जो इनकॉर्पोरेशन है बिजनेस का, जो बिजनेस सेटअप हुआ है उसको वैलिड माना जाएगा. नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. सो आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है, जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा द प्राइवेट कंपनी क्या है फॉर्मुलेट हो जाएगी एंड कैन बी कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी, और अपनी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको स्टार्ट कर लेगी. बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू परफॉर्म अ थर्ड स्टेज एंड गेट दी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पनसेशन. बट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको थर्ड स्टेज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा और कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी उसको लेना पड़ेगा. ठीक है, सो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आर, जो स्टेप इन्वॉल्व हैं, पहला क्या है आपका सेबी अप्रूवल. सो सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी. ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया. जो क्या कंट्रोल करती है, कैपिटल मार्केट, जहाँ पे जो भी सारी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हैं वहाँ पे परचेज और सेल किए जाते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. ही जो भी डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विद द सेबी. कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो क्या करेगी, सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को सेबी को सबमिट करेगी बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज़. कैपिटल मार्केट में इशू करने से पहले सारी क्या है कि सबमिट करना पड़ेगा सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सेबी को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को. सो कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम दी सेबी. कोई भी कंपनी सारे जो भी अपना उनका फैक्ट है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सेबी से हाइड नहीं कर सकती है कि वो सिक्योरिटीज इशू करे 100 तो वो बस शो करे 80, नहीं, वो कुछ भी हाइड नहीं कर सकती है. एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. नहीं तो उनकी क्या है, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, किसके अंडर, जो गाइडलाइन दी है डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000 के अंडर, अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस. इन लीव ऑफ मीन्स इन फेवर ऑफ. सो
अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल प्रॉस्पेक्टस. ठीक है, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनको क्या करना पड़ता है कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस. सो इट इज़ अ सर्कुलेशन और इन्विटेशन, एक सर्कुलर और इन्विटेशन होता है इशूड टू इन्वाइट द जनरल पब्लिक, कि बेसिकली जो भी जनरल पब्लिक है उनको इन्वाइट करने के लिए फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी, कि जो भी कंपनी के शेयर्स हैं उनमें सब्सक्राइब करने के लिए. दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार, और ये डॉक्यूमेंट क्या है, रजिस्ट्रार के पास उसको